हेलो फ्रेंड, कुछ लोगों को जंगलों में घूमना और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जीव जंतु को देखना बहुत ही पसंद आता है, बट इसके लिए हम लोगों के पास सफिशियंट टाइम नहीं निकल पाता है जिससे हम लोग यह जगह जा पाए। लेकिन हम आज आपको एक ऐसी ही जगह के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ आप बहुत कम समय में बहुत सारे वन्य जीव एवं विलुप्त हो रहे प्राणी को देख सकते हैं। तो आज हम आपको लिए चलते हैं भारत के दूसरे सबसे बड़े चिड़ियाघर नंदनकानन जू, जो कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर सिटी से महज 20 किलोमीटर दूर में स्थित है। देश के अन्य चिड़ियाघरों से विपरीत नंदनकानन को जंगल के अंदर स्थापित किया गया है। यह एक पूरी तरह से प्राकृतिक वातावरण में स्थापित जूलॉजिकल पार्क है। इसकी स्थापना 1960 के दशक में किया गया था। क्या आप जानते हैं यह देश का पहला जू है जो WAZA मींस वर्ल्ड एसोसिएट ऑफ जू एंड एक्वेरियम का स्वागत सदस्य है। हाउ टू गो नंदनकानन। वैसे तो नंदनकानन देखने के लिए भुवनेश्वर में रहकर जाना बेहतर होता है। ऐसे में आप जू को अच्छी तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि आपको पूरे दिन भर टाइम मिल जाता है। जो सैलानी जगन्नाथपुरी घूमने आते हैं वे अक्सर भुवनेश्वर कोणार्क और नंदनकानन पार्क घूमते हैं। पुरी से आरंभ होने वाली दिन भर की बस पैकेज टूर में आप नंदनकानन घूम तो सकते हैं, लेकिन आपको अप्रोक्स इसमें 2 घंटे का ही समय मिलता है जिससे आप पूरी पार्क को एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। केवल महत्वपूर्ण पॉइंट को ही आप देख सकते हैं। टिकट एंड टाइम। इस पार्क का टिकट 40 रुपीज पड़ता है और फॉरेनर का 100 रुपीज। और इस पार्क का विजिटिंग टाइम है सुबह 7:30 से इवनिंग 5:30 तक आपको टिकट मिल जाती है। क्या है इस पार्क में खास। नंदनकानन सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इस जू में 1980 में ही सफेद बाघ का यहाँ निवास कर दिया गया था। यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के घड़ियाल भी देख सकते हैं। इस पार्क में आपको 126 प्रजातियों जानवर देख सकते हैं जिसे 202 बेड़ों में रखा गया है। साथ ही आप यहाँ 812 टाइप की पक्षी एवं 134 रेप्टाइल भी देख सकते हैं और 32 प्रजाति के विदेशी और 132 प्रजाति के विदेशी प्राणी आप यहां देख सकते हैं। तो इस पार्क का विजिटिंग करना आप बिल्कुल ना भूलें। नंदनकानन जू कैसे घूमें। इस पार्क को घूमने के लिए आपके पास 3-4 ऑप्शन मिल जाता है। फर्स्ट ऑप्शन, आप पैदल ही घूम सकते हैं जिससे आप पूरी तरह पार्क को एक्सप्लोर कर सकते हैं, पर इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है। सेकेंड ऑप्शन, इस पार्क में आप टाइगर सफारी कर सकते हैं जो 1980 के दशक में ही स्टार्ट कर दिया गया था। टाइगर सफारी में आपको एक बस में बैठा दिया जाता है और यह बस बाघों के बेड़ों में चला जाता है जहां पर आप बाघ को ओपन देख सकते हैं। इस पार्क में एक टॉय ट्रेन भी चलती है। टॉय ट्रेन से भी आप कुछ हिस्से को इजिली आराम से बैठ के देख सकते हैं और इस टॉय ट्रेन का भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप जीप सफारी का भी एंजॉय कर सकते हैं। यह एक बहुत ही खुशनुमा सफर है जिसे आप जीप से इजीली कवर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।